हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। तो दोस्तों, खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने खेल के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही 37 वर्ष के डिविलियर्स का आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से नाता भी टूट चुका है। डिविलियर्स ने 2011 में आरसीबी के साथ खेलना शुरू किया था और 11 सेशन खेले हैं। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम के लिए उन्होंने 156 मैच खेलकर 4,491 रन बनाए। कोहली के बाद वे आरसीबी के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने ये भी कहा एक ट्वीट में कि आरसीबी के लिए मैंने लंबे समय तक खेला, 11 वर्ष यूं ही बीत गए और अब टीम को छोड़ना खट्टा अनुभव लग रहा है। इस फैसले तक पहुँचने में लंबा समय लगा, लेकिन मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं आरसीबी प्रबंधन, अपने दोस्त विराट कोहली, साथी खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ, प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरसीबी हमेशा मेरे दिल के करीब रही और हम हमेशा इस टीम की हौसला अफजाई करते रहेंगे। एबी डिविलियर्स ने आगे यह भी कहा कि मैं जीवन भर के लिए आरसीबीयन बनने जा रहा हूँ। आरसीबी के सेटअप में हर एक व्यक्ति मेरे लिए एक परिवार बन चुका है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आरसीबी में एक दूसरे के लिए जो भावना और प्यार है वह हमेशा बना रहेगा। मैं अब आधा भारतीय हो चुका हूं और मुझे इस पर बेहद ही गर्व है। इस ट्वीट को एबी डिविलियर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए ये सब बातें कही। हम आपको बता दें कि 37 साल के एबी डिविलियर्स आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है। एबी ने 184 आईपीएल मैचों में 69.70 की औसत से 5,162 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 40 अर्धशतक शामिल रहे। आईपीएल 2021 के पहले चरण में उन्होंने 6 पारियों में 51.75 की औसत से 207 रन बनाए थे। हालांकि यूएई में खेले गए दूसरे चरण में एबी कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। खैर, इनके इस फैसले से फैंस काफी ज्यादा शॉक में हैं। आरसीबी ने भी डिविलियर्स के संन्यास के बाद ट्वीट किया कि एक युग का अंत हो चुका है, आपके जैसा कोई नहीं है। एबी, हम आपको आरसीबी में बहुत मिस करेंगे। आपने टीम, प्रशंसकों और सामान्य रूप से क्रिकेट प्रेमियों को जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्रिया एबी, रिटायरमेंट मुबारक हो, लीजेंड। जी हाँ दोस्तों, ये ट्वीट करते हुए आरसीबी ने डिविलियर्स के संन्यास पर दुख जताया। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।